पहुंच गया हूं भाई तलवाखली। तो ये तलवाखली है, ये वाला एरिया। योगी तो बकार तुम्हारे साथ जा, तू गांव आई है इधर आज। किसके हैगा उज्जा? आप देख रहे हो पत्थर पूरे गीले हैं और ऊपर घास भी पूरी गीली हो चुकी है। मेरे पास पैसा होगा मैं उसका क्या करूंगा? उछालोगे ऊपर को? हाँ, तुम्हारी शादी में मौज कराऊंगा लोगों को। तो चाचा बहुत मेहनत करते हैं यार। तो बारिश हो रही है तो ये स्टोर करके रख दिया है, कल के दिन कुछ और बोएंगे तो उसमें काम आ जाएगा। काक मैं धर्मी भाई, अब आलू और ताईजी जल रहा है क्योंकि आज ठंड ज्यादा होगी। तो नमस्कार, पहला प्रणाम। तो दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग? आशा करता हूँ कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। तो दोस्तों आपका भाई भी बिल्कुल स्वस्थ है, मस्त है और फिलहाल इन खूबसूरत सी वादियों में व्यस्त है। तो दोस्तों अभी फिलहाल मैं आ रखा हूँ अपने गाँव की सड़क पे और आज मौसम ना सुबह से ही ठंडा है, मतलब बादल लगे हुए हैं, तो धूप का बिल्कुल भी नामो निशान नहीं है पहाड़ों में और ठंड बढ़ चुकी है और लोगों की अंगेठियां जली हुई हैं घरों में, लोग घर से बाहर कम ही रहे। तो दोस्तों कल से तगड़ी बारिश है भाई, आप देख रहे हो पत्थर पूरे गीले हैं और ऊपर घास भी पूरी गीली हो चुकी है, मतलब गांव का मौसम कुछ ऐसा है भाई अभी। ठीक है, अभी अभी उधर सामने से थोड़ा सा मौसम खिल रहा है, मतलब धूप निकल रही है उधर साइड में, आप देख रहे हो अभी इधर ऐसी है। पहुंच गया हूं भाई तलवाखली। तो ये तलवाखली है, ये वाला एरिया नीचे, पहले नीचे थी तो बाद में ऊपर शिफ्ट हो गई है। तो ताऊजी ने भी बिल्कुल बढ़िया से अपने खेत वेत खोद दिए इधर, तो इधर भी बो दिया है कुछ और एक खेत नीचे खोद दिया है और नीचे को तो हमारी भूमि ऐसे ही बंजर है। फिलहाल इन पे चल रखा है कार्यक्रम ताऊजी का और हरसू बिल्कुल अपने कारोबार पे लग गया है। हरसू ने देनी है भाई गाय भैंसों को घास। तो दगड़ियों मैं अर्चियाल व्याकुले को घुमाया दुकान बंद, तो फिलहाल दुकान सुनसानी चल रहा पूरे मार्केट में। ताऊजी और ताईजी जल रहा गेट क्योंकि आज ठंड ज़्यादा होगा, तो फर्स्ट क्लास तरीके का गेट जल में बैठ रही गपशप मारा। ये है दोस्तों हवा महल पूरा, आप देख रहे हो पूरा वुडन स्ट्रक्चर में है, लकड़ियों का बना हुआ है ये ज्यादातर। हाँ। राष्ट्र के विवाह गीत गाएगा। हाँ। और तुम्हारी शादी में सबको मौज कराएगा। मेरे पास पैसा होगा मैं उसका क्या करूंगा? उछालोगे ऊपर को? हाँ, तुम्हारी शादी में मौज कराऊंगा लोगों को। ठीक हो गया। तो वो दिन कब आएगा? बस आने वाला है वो कुछ ही क्षणों में। बट ठीक है, अगले आपको सामने टॉप में देख रहे हो जहाँ बहुत सारे बादल दिख रहे हैं आपको, तो वहाँ पर है माँ नैथना देवी का मंदिर और जस्ट इधर है हमारे गांव का माँ भगवती का मंदिर। तो ये है मेन गेट भाई रोड पे। ठीक है, तो अभी मौसम देख रहे हो आप बिल्कुल ना कितना जबरदस्त सा हो रखा है, बहुत ही खतरनाक सा मौसम हो रखा है। तो ये देखिए भाई, तो इस मौसम में घूमने में ना एक अलग ही आनंद आता है। सारी जितनी भी प्रॉपर्टी है ना सारी बंजर पड़ी हुई है, पूरी बंजर। तो भाई यहाँ पर एक तो जंगली सुअरों का आतंक है, बंदरों का आतंक है, तो वो लोग तो रहने नहीं देते, और दूसरा फिर टाइम टाइम से बरसात भी नहीं होती है और ऐसी कोई सिंचाई की व्यवस्था है नहीं कि जिससे इनमें हम कुछ उगा सकें। तो फिलहाल भाई ऐसी है पहाड़ों की कंडीशन। तो ये भाई हमारे पहाड़ों के रास्ते और आप देख रहे हो ना यहाँ का जीवन बड़ा कठिन है भाई। ठीक है, अभी आप देख रहे हो कमलेशदा बिल्कुल अपने गाय भैंसों के लिए यहाँ पर ये घास लेके जा रहे हैं और नीचे जो है ना वो थुपड़ा लगाया था उसमें से इसमें कलेक्ट किया फिर इसको घर लेके जा रहे हैं। दोस्तों हमारे पहाड़ों में बाघ का तगड़ा खतरा चल रखा है, तो एक बंदा घास लेने जा रहा है तो तीन चार लोग उसके साथ साथ ही निकल रहे हैं। तो ढिपोर चलो मोरा तेरी मस्तानी चाल है, मस्तानी चाल है। ये सही लूंगा बोल लूंगा, देखिए चाल दिखा लो, पेट दिखा, पेट देखो इसने अपना पेट कैसे भर रखा है बिल्कुल, और जाड़े से ना अभी इसकी हालत खराब हो रही है भाई। कैसा दिख रहा है, गोलू सा बिल्कुल, गोल मटोल सा, और इसके पेट देखो बिल्कुल डम्बू जैसा। ये देखिए बिल्कुल बिल्कुल टाइट कर रखा है भाई। भागो 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 यो हो 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 भागो 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 भागो। तो मित्रों आज मैं फिर से आ रखा हूँ भाई तल्ला पाली में। तो मित्रों ये देखिए भाई हमारे पहाड़ों का फर्स्ट क्लास सा और फ्रेश धनिया बिल्कुल ऑर्गेनिक आइटम। तो यहाँ पर आप देख रहे हो बहुत सारी गड्डियाँ बना के रखी हैं, तो ये भाई कल के लिए सप्लाई होंगी, इधर भी रखी हैं। तो ये हमारे कर्मठ और मेहनती इंसान हमारे चचा, जो कि हमारे क्षेत्र के लिए उदाहरण है,
और कई लोग इनको देख के प्रेरित हो गए हैं और अपना काम स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हमारे गांव में भी लोगों ने खेत खोदना शुरू कर दिया है, और इस बार तो मेरे पिताजी ने भी बो रखा है थोड़ा बहुत। अरे ना ना चाचा, और ये देखिए भाई, इतनी बढ़िया सी धनिया की गट्ठी है कि इसकी जो सुगंध है यहाँ तक आ रही है बिल्कुल। आहा, क्या गजब सी सुगंध है भाई। तो चाचा बहुत मेहनत करते हैं यार, और हमें तो बहुत सारा फ्री में मिल जाता है अगर हम आते हैं यहाँ पर। कभी कभी चाचा भी दे देते हैं तो, बट ये यहाँ से मार्केट में सप्लाई होता है, और साथ ही गांव के जो हमारे गांव में रहते हैं ना टीचर्स लोग, बाहर के उन लोगों को भी देते हैं, काफी अच्छा है। और मासी मार्केट हमारी नजदीकी है, वहाँ सप्लाई होता है सारा। तो ऐसे ही लगभग नहीं भी बना दिए चाचा ने। चाचा कद्दू गट्टी बना लो ना, बनाना 30-35 गट्टियाँ हो गई हैं, तो डेली इतना जाता है भाई यहाँ से। और चाचा ने लगातार मतलब इन खेतों को ना वो कभी खाली नहीं होने देते, लगातार कुछ न कुछ होता रहता है इनमें। कभी धनिया, कभी पालक, कभी मेथी, तो कभी राई, कभी आलू, कभी मूली। और मित्रों आप देख रहे हो चाचा ने जुगाड़ कर रखा है भाई, जो हमारा बरसात का पानी होता है ना उसको कलेक्ट कर रहे हैं इसमें, क्योंकि आपको पता है कि भाई पहाड़ों में बारिश हमारे क्षेत्र में थोड़ा कम होती है। तो थ्रू देखो अभी हाँ, ये टैंक भरे जा रहे हैं, ये 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 बिल्कुल भरे जा रहे हैं, ये सब टैंक भरे हैं, ये भी भरे हैं, इधर भी भरे हैं चाचा ने, तो ये सारे टैंक भर रखे हैं। और ये देखिए, मतलब ये है कि अभी तो बारिश हो रही है तो ये स्टोर करके रख दिया है, कल के दिन कुछ और बोएंगे तो उसमें काम आ जाएगा। काक मैं धर्मी भाई, अब आलू ठीक जो। और ये था हमारे अपन कलाला, बिल्कुल दिख रहे हो, तो शायद ये चाचा की बेटिया है तन्नु, उसने किया होगा, और उसका ब्यूटी पार्लर भी है दोरहाट में, और खुद का यूट्यूब चैनल भी है, तो काफ़ी स्ट्रगल कर रही है वो भी अभी। और फिलहाल ये चचाल में है धरेली भाई कुछ आल घरक बढ़िया सा, सोरों ने खोद दिया ना। अरे अच्छा अच्छा, पहले खोद दिए सोरों ने, छोटे छोटे। तो आज भाई इसी का बनाया जाएगा, जो बनाया जाएगा शाम को झोल ना, वो के नहीं वो उमाइल में जो बनानी यार, दम आलू बनाया जाएगा, दम आलू के लिए बहुत ही बढ़िया चीज़ है।